Hello students, I'm Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, as you know that in the last session, we had started to read a very interesting story, Bukka Learns a Lesson. Hai na? So we saw that in this story, Bukka was an elephant calf. He was very naughty. He used to sag the branches of the trees, and he used to bother all the creatures of the forest. So kya hota hai, one day the leader of the animals decide to teach a lesson to Bukka. Hai na, Bukka ki sihab se pareshan hokar jo aur sare animals jo the us jungle ke, wo complain karte hain Bukka ki लीडर से, और लीडर जो है बुका को वो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, मीन्स उसे सुधारने के लिए वो क्या करना चाहते हैं. लेट्स सी. दैट नाइट लाइक ऑलवेज बुका गोज टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर. उसी रात हमेशा की तरह बुका जो है जाता है सोने के लिए अपनी माँ के पास, अपनी माँ के बगल में. बट इन द मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज. सुबह क्या होता है, उसे सरप्राइज मिलता है. वट वॉज द सरप्राइज? क्वेश्चन फॉर यू, वट डू थिंक लीडर ऑफ द हर्ड विल डू टू टीच बुका लेशन? जो हर्ड के जो लीडर थे बुका को ए लेशन पढ़ाने के लिए, पार्ट पढ़ाने के लिए, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी. सो लेट सी. अगले दिन वो देखता है, उसको सरप्राइज मिलता है. वो क्या था? He finds himself alone on the banks of the small pool. वो अपने आप को पाया एकदम अकेला, banks of a small pool. Pool means pond, है ना? So pool के किनारे वो अपने आप को अकेला पाता है. There was no one. कोई भी नहीं था उसके पास. There is simply no one around. उसके आस पास कोई नहीं था. Bukka gets to his heels and searches near the pool. Gets to his heels means, कहते थे एडी चोटी का दम लगा देना, means he was trying his best to find all the creatures of the forest here and there near the pool. हर जगह वो सर्च करता है. No, there is no sign of the elephant herd. कहीं भी कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं था एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट के हर्ड्स के वहाँ पे होने का. ही लिफ्ट्स हिज ट्रंक टू कैच द स्मेल फ्लोटिंग इन द ब्रीज. इस तरीके से वो अपना ट्रंक उठाता है, मतलब स्मेल करने के लिए बहती हुई हवा में. बट क्या होता है, नो लक देयर. ही फील्स फ्राइटेंड. वो डर जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही स्टार्टेड क्राइंग. वो चिल्लाना शुरू कर देता है. व्हाट विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? वेयर विल आई फाइंड माय पेरेंट्स इन सच अ ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट? ही वॉज वेरी सैड. ही वॉज थिंकिंग दैट अब मैं अपने पेरेंट्स को कहाँ पे पाऊँगा इतने घने जंगल में, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? ही साइज मिस आहें भरना, सुबकी लेना रोते हुए, सकते हुए वो बोलता है. जस्ट देन ही साइड्स अ स्क्वायरल ऑन द नीम ट्री. और तुरंत उसको दिखी क्या स्क्वायरल्स नीम ट्री पर बैठी हुई. एंड कॉल्स आउट, उसे बुलाती हैं. डू यू हैव यू एनी न्यूज? मिस बुका उसे बुलाता है, उन्हें स्क्वायरल्स को. एंड ही इज आस्किंग दैट डू हैव यू एनी न्यूज ऑफ माई हर्ड? क्या आपको पता है, क्या आप जानती हो कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब कहाँ हैं इस समय? डोंट रिमेम्बर, स्क्वायरल्स आर सेइंग दैट, डोंट यू रिमेम्बर हाउ यू पुल द टेल ऑफ माई बेबीज एंड हर्ट देम? क्या आपको याद है कि किस तरीके से आपने मेरी पूंछ को खींचा था और मेरे बेबीज को अपने चोट पहुंचाया था? मॉक द स्क्वायरल. मॉक मिस स्कॉर्नफुल स्माइल, घृणा से हंसना. इस तरीके से घृणा से हंसते हुए स्क्वायरल्स ने रिप्लाई दिया. हैव यू फॉरगेटन हाउ यू शुक द ब्रांचेज एंड मेड अस फॉल?
शव यू राइट, क्या आप भूल गए किस तरीके से आपने ब्रांचेज को हिला के रख दिया था और जिससे हम सभी गिर गए थे। सर्व्स यू राइट मीन्स जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही है। नेक्स्ट, नाउ स्टे अलोन, द स्क्विरल स्नीफ्स एंड गोज अवे। नाउ स्टे अलोन, अब अकेले ही रहो। द स्क्विरल स्नीफ्स एंड गोज अवे, स्क्विरल्स उसको छिड़कते हुए उसको डांटते हुए वहां से चली जाती है। बुका गेट्स वेरी एंग्री, नाउ बुका इज वेरी एंग्री, ही गोज फर्दर इन टू द फॉरेस्ट एंड मीट्स अ बेबी रैबिट इन द टाल ग्रास। उसके बाद वो और आगे जाता है फॉरेस्ट में और वो मिलता है बेबी रैबिट से, कहाँ पे, इन द टाल ग्रास, एक बड़ी सी ग्रास में। द बेबी रैबिट इज प्लेइंग हॉप स्कॉच ऑल बाय हिमसेल्फ, मीन्स बेबी रैबिट जो था वो लुका छिपी का खेल खेलता है, मीन्स अपने बरों में छुप के, छुप जाना फिर निकलना, अपने आप से वो अकेला प्ले करता है। व्हेन ही सीज बुका, वे अब रैबिट वॉज प्लेइंग एंड व्हेन ही सीज बुका ही स्क्रीज इनटू हिज बरो, जैसे वो बुका को देखता है वो अपने आप को छिपा लेता है, बरों में जाके छिप जाता है। व्हाई, बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया। द मदर रैबिट कम्स आउट एंड ग्लेयर्स एट बुका विद रेड एंग्री आइज। तभी मदर रैबिट मीन्स रैबिट की मदर आती है, बाहर आती है और बुका को घूरती है रेड आंखों से, मीन्स शी वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि उसके बेबी को भी उसने चोट पहुंचाया था। नेक्स्ट देखिए, सारे एड क्रिएचर्स जो हैं किस तरीके से बुका से हेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज मिस विहैब, है ना। नेक्स्ट, डू यू नो वेयर माई पेरेंट आर, बुका आस्क अ लिटिल टिमडली, मीन्स थोड़ा डरते हुए बुका पूछता है कि आपको पता है मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। नो आई डोंट नो, वुडेंट आई टेल यू इवन आई डिड, सेज मदर रैबिट स्टर्नली, नहीं मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता भी होगा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। रैबिट की मदर ने थोड़ा कठोरता से, दृढ़ता से बोला, डोंट यू रिमेम्बर हाउ पोर्ड वाटर डाउन आवर होल्स, क्या आपको याद है किस तरीके से हमारे होल में तुमने, हमारे बरों में किस तरीके से तुमने वाटर फेंका था, वाटर डाला था। वी नियरली डाइड, नाउ सी हाउ इट फील्स, सब योर राइट, और हम लगभग मर जाने वाले थे, कितना वाटर हो गया था हमारे होल में और कैसा फील हुआ होगा, अब आप खुद ऐसा फील करो। सर्व योर राइट, जैसा तुमने किया वैसा ही तुम्हें मिला, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बुका फील्स मीजरेबल एंड रिग्रेटफुल, नाउ बुका फील्स मीजरेबल, मीजरेबल मीन्स बहुत ही दुखी फील करता है, एंड ही वॉज रिपीटिंग रिपेंटिंग मीन्स वो पश्चाताप करता है, रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, पश्चाताप करना, वो अपने इस वक्त पे पछताता है। एज ही गोज डाउन द जंगल रोड ही मीट्स द कलरफुल बटरफ्लाइज, जैसे ही वो जंगल में जा रहा होता है रोड से, ही मीट अ कलरफुल बटरफ्लाइज, वो मिलता है रंग बिरंगी बटरफ्लाई से, तितलियों से मिलता है। देवर फ्लिटरिंग अराउंड द पिंक ब्लॉसम ऑफ द कंचन ट्री, कंचन ट्री के पे खिले हुए ब्यूटीफुल फ्लावर्स के आसपास वो मंडरा रही थी एंड प्ले कर रही थी। ओ बटरफ्लाईज, स्वीट बटरफ्लाईज, कैन यू टेल मी विच वे एलिफेंट्स वेंट, आस्क बुका मीकली, मीकली मीन्स स्वीटली, मिठास भरे शब्दों से वो बटरफ्लाई से बोलता है, बटरफ्लाईज प्यारी बटरफ्लाईज क्या आप मुझे बताएंगी एलिफेंट, सारे एलिफेंट्स कहाँ गए। सी हाउ स्वीटली ही स्पीक्स टूडे, वाजंट इट जस्ट द अदर डे दैट ही ब्रोक्स द ब्रांचेज एंड ड्रोव अस अवे, देखो आज वो कितना मीठा बोल रहा है, क्या भूल गए उस दिन को जिस दिन तुमने ब्रांचेज को गिरा कर हमें नीचे गिरा दिया था। बुका वेट्स इन वेन फॉर एन आंसर, बुका रुकता है इस बर्थ में उनसे कुछ पूछने के लिए। बुका
Crestfallen face make the sparrows crackle in laughter. Crestfallen means कह सकते हैं चेहरे पर कालिमा आ जाना, परेशानी, इस तरीके से उसका ये फेस देखकर स्पैरोज जो थी वो हंसने लगती हैं, है ना। स्पैरोज मीन्स गोरैया, जो गोरैया होती है, तो सारी भी जो बर्ड्स थे और भी जो क्रिएचर्स थे सभी हंसने लगते हैं। सर्व्स हिम राइट मीन्स इसके साथ ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था। सभी खुश हैं क्योंकि बुका आज उसको ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट, द डॉग्स द फ्रॉग क्रॉक्स फ्रॉम नाउ ऑन बुका विल हैव टू रिमेन अलोन। द फ्रॉग्स क्रॉक, अब फ्रॉग भी क्रॉक करके वो बोलता है हाँ आज से बुका अकेले रहेगा। ऑल द क्रिएचर्स हु हैड अ ग्रगल अगेंस्ट बुका स्टार्टेड अ कोरस। बुका इज नॉटी, बुका इज वीक, एवरीवन हैज लेफ्ट बुका। सारे एनिमल्स जो भी बचे हुए थे जो उस जंगल में थे सब एक ग्रुप में, कोरस मीन्स ग्रुप में आ जाते हैं, झुंड में आ जाते हैं और सभी एक साथ बोलना स्टार्ट करते हैं बुका इज वीक, एवरीवन हैज लेफ्ट बुका, बुका इज नॉटी, बुका जो है वो दुष्ट है, हर कोई छोड़ दो, सभी छोड़ दो बुका को। तो हर एक तरीके से सबकी यही आवाज़ होती है। बुका स्टार्ट्स क्राइंग, बुका चिल्लाना रोना शुरू कर देता है। ही क्राइज हिज हार्ट आउट, ना ही क्राइज हिज हार्ट आउट मीन्स वो पूरे हृदय से रोता है। ही वॉज वेरी सैड, फाइनली ही गेट्स ट्राइज एंड फॉल्स एस्लीप सॉबिंग बिसाइड द पूल। और वो रोते रोते सुबह की लेते वहीं पर वो पूल पे वो सो जाता है। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक्स अप ही कांट बिलीव हिज आइज, अगले दिन जब वो जगता है ही कांट बिलीव हिज आइज मीन्स उसे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पे। ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्लीपिंग राइट इन द मिडिल ऑफ हिज हर्ट, वो अपने आप को पाता है आज की वो बीच में सोया हुआ है और सारे जो क्रिएचर्स हैं जो और उसके जो हर्ट थे, जो ग्रुप थे, उसकी मदर एंड उसके पेरेंट्स सभी उसके आस पास ही सोए हुए थे। ही लुक्स एट द नेम, नेक्स्ट ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्लीपिंग राइट इन द मिडिल ऑफ हिज हर्ट नेक्स्ट टू हिज मदर स्वाम्प्स बेली मीन्स अपने माँ के पेट के पास, मीन्स अपने माँ के आंचल में, माँ के पास, माँ से चिपक कर वो सोया हुआ था। ही लुक्स एट द नीम ट्री इन फ्रंट, और अपने सामने वो नीम ट्री को देखता है। यस द स्क्विरल इज फ्लिटरिंग अप एंड डाउन द ट्रंक, स्क्विरल थी ट्रंक से मीन्स पेड़ की शाखा से ऊपर नीचे आ रही थी। वॉज इट अ ड्रीम, वॉज इट अ ड्रीम, क्या एक सपना था, बुका थिंक्स टू हिमसेल्फ मीन्स अभी जो मेरे साथ हो रहा था, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज फीलिंग अलोन, देर वॉज नो एनी साइन ऑफ द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, वॉज इट अ ड्रीम, क्या एक सपना था, वो अपने आप में सोचता है। वॉज थिंकिंग फ्रॉम दैट डे ऑन नो वन हैज कंप्लेन अबाउट बुका एवर अगेन। फ्रॉम दैट डे ऑन मीन्स उस दिन से कोई भी बुका की अब कोई कंप्लेन नहीं करता था। वाई, बिकॉज नाउ बुका इज अ गुड एलिफेंट कफ। He was feeling good and he was now a good creature. Okay, students, so I think आप सभी को स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी and this story is written by Deepa Winter Roy. Okay, so आप स्टोरी को पढ़ना एंजॉय करना। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन इन करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।